नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके पास टैलेंट है और आगे बढ़ने की जज्बा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों बात करेंगे फेमस तमिल एक्टर जफर सिद्दीकी के बारे में, जो कि बहुत ही कम टाइम में ही अपनी एक अलग सी पहचान बना लिया है। लगभग 4 फीट 4 इंच वाले इस एक्टर को आप हाल ही में कई सारे मूवीज में देखे होंगे। लंबे से बाल, लंबे से दाढ़ी रखने वाले जफर सिद्दीकी जब भी पर्दे पर आते हैं, फिल्मों का एंटरटेनमेंट 4 गुना बढ़ जाता है। एक टाइम पर जफर सिद्दीकी अपनी हाइट को लेकर काफ़ी शर्मंदगी और एक अभिशाप जैसा फील कर रहे थे, बट आगे जाकर यही हाइट उनके लिए एक वरदान साबित होता है। आज जिस मुकाम पर जफर सिद्दीकी है, उस मुकाम तक पहुंचने का सफर इतना आसान भी नहीं था। और आज के वीडियो में दोस्तों हम आपके साथ एक्टर जफर सिद्दीकी के बारे में ऐसी कुछ बातें शेयर करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आप भी नहीं जानते होंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, जफर सिद्दीकी के बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि जफर सिद्दीकी एक एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे डांसर भी हैं। उन्होंने काफ़ी सारे मूवीज में कोरियोग्राफी भी कर चुके हैं। साथ ही दोस्तों, ओनली 12 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पढ़ाई छोड़कर अपनी सपना पूरा करने के लिए निकल पड़े थे। नंबर 2, 4 जुलाई 1995 को तमिलनाडु की इरुडु गांव में एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली में जफर सिद्दीकी का जन्म हुआ था। मिडिल क्लास परिवार था जहां पिता घर का खर्चा तुलाते थे और माँ हाउसवाइफ थी। जफर सिद्दीकी के अलावा उनकी परिवार में 2 बहनें और एक बड़े भाई भी हैं। नंबर 3, स्कूल टाइम से ही जफर सिद्दीकी का मन पढ़ाई में ज़्यादा नहीं लगता था। स्कूल में जफर पढ़ाई से ज़्यादा कल्चरल इवेंट्स और डांस में ज़्यादा एक्टिव नज़र आते थे। जफर पढ़ाई में कमज़ोर जरूर थे, बट वो डांस बहुत अच्छे करते थे। उनकी फ्रेंड्स, टीचर और रिलेटिव्स भी उनकी डांस की काफ़ी तारीफ करते थे। जफर सिद्दीकी को स्कूल टाइम से ये एहसास हो गया था कि उन्हें अपना करियर इसी फील्ड में बनाना चाहिए। नंबर 4, उस टाइम पर जफर सिद्दीकी टीवी पर आए बहुत सारे डांस कंपटीशन और डांस रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया करते थे। 2016 में आए डांस रियलिटी शो किंग्स ऑफ डांस में वो फाइनल तक पहुंचे थे, और ये शो के बाद जफर सिद्दीकी को लोग धीरे धीरे पहचानने लगे और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। साथ ही दोस्तों, और एक डांस रियलिटी शो उंगैली प्रभुदेवा 2 में जफर सिद्दीकी रनर अप भी रहे थे। नंबर 5, बहुत ही कम उम्र में ही जफर सिद्दीकी अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपनी सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़े थे। उस टाइम पर इतनी सारे डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद उन्हें पहचान तो मिल गई थी, बट लोगों की जानने से या पहचानने से घर का खर्चा तो नहीं चलेगा। आगे जाकर जफर सिद्दीकी बहुत सारे कॉलेज इवेंट्स और ब्रांड्स की इवेंट्स में एक बतौर डांसर के तौर पर डांस करने लगे थे, जिसे उन्हें कुछ पैसे भी मिल जाता था। नंबर 6, कुछ टाइम के बाद जफर सिद्दीकी खुद का एक डांस स्टूडियो खोला, जहां पर वो बहुत सारे लोग और बच्चे को डांस सिखाने लगे, और आगे जाकर धीरे धीरे वो टीवी सीरियल और मूवीज़ के लिए भी कोरियोग्राफी करने लगे। धीरे धीरे जफर सिद्दीकी डांस की फील्ड में और भी काफ़ी पॉपुलर होने लगे। बट हालांकि जफर सिद्दीकी का हाइट बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से उनकी पीठ पीछे लोग उनकी काफ़ी मजाक उड़ाते थे, बट उन्होंने कभी लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देकर अपनी सपने को पूरा करने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करते थे। नंबर 7, 2020 में आई एक तमिल वेब सीरीज पावा कड़ेगल में जफर सिद्दीकी हमें नारी कुट्टी की रोल में नजर आते हैं, जहां उनकी एक्टिंग को लोग काफ़ी पसंद किए थे। और इसी वेब सीरीज पर जफर सिद्दीकी का छोटा सा रोल डायरेक्टर लोकेश कनक राज ने देखा, जो कि उस समय सुपरस्टार कमल हासन के साथ विक्रम मूवी बना रहे थे। उन्हें जफर सिद्दीकी का एक्टिंग काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने तुरंत ही जफर सिद्दीकी को बुलाया और विक्रम मूवी में विजय सेतुपति की गैंग में एक मेंबर का रोल ऑफर किया।
नंबर 8, जब लोकेश कनक राज की ऑफर के बारे में जफर सिद्दीकी सुने तो पहले तो उन्हें लगा कि पता नहीं वो इस कैरेक्टर को अच्छे से निभा पाएंगे या नहीं। ऑफर से कमल हासन, विजय सेतुपति, फैज फजल जैसे बड़े बड़े स्टार्स भी मूवी में है। जब ये बात लोकेश कनक राज को बताए तो उन्होंने जफर सिद्दीकी को समझाया कि वो इस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जफर सिद्दीकी फिल्म के लिए रेडी हो गए थे। मूवी में भले ही उनका रोल बहुत ही छोटा था, बट जितना समय वो नजर आते थे एक अलग सी एनर्जी लेकर आते थे। और जफर सिद्दीकी का किरदार उस टाइम काफ़ी पॉपुलर हुआ था, खास करके उनका कट्टर से लोगों की पैर की हड्डी काटने वाला। नंबर 9, जफर सिद्दीकी नेक्स्ट तमिल मूवी वेंडो तने दांत में नजर आए थे। इन सारे मूवीज में अपनी छोटी सी किरदार से लोगों के ऊपर बड़े इंप्रेशन छोड़ने पाले। जफर सिद्दीकी को आगे जाकर सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर में काम करने का ऑफर हुआ। मूवी में जफर सिद्दीकी रजनी सार को हेल्प करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर भी जफर सिद्दीकी अपनी छोटे से किरदार से लोगों को खूब एंटरटेनमेंट करते हैं। जैसे कि ट्रक के नीचे घुसकर उसे तार से बांधने वाला सीन हो या एक छोटी सी टोकरी के अंदर अपने आप को छुपाने वाला सीन, ऐसे काफी सारे चीजें जिन्हें देखते टाइम लोग काफी एंजॉय किए थे। नंबर 10, मूवी जेलर में जफर सिद्दीकी की एक्टिंग से खुश होकर रजनी सर उन्हें अपना चश्मा गिफ्ट किया था। और ये वही चश्मा है दोस्तों जिसे रजनी सर मूवी जेलर में इस्तेमाल किया था। अगर आप मूवी जेलर देखें तो ये बात आप जरूर नोटिस किए होंगे कि जब जब रजनी सर अपना चश्मा पहनते हैं तो हमें ऐसा सो जाता है कि आगे जाकर हमें और एक वाइल्ड एक्शन सीन देखने को मिलेगा। नंबर 11, नेक्स्ट अगेन तमिल सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर एटली कुमार शाहरुख खान स्टारर मूवी जवान में जफर सिद्दीकी को साइन किया, जिसमें जफर सिद्दीकी फिर से विजय सेतुपति गैंग के हिस्सा बनते हुए नजर आते हैं। मूवी जवान में जफर सिद्दीकी का काफ़ी यादगार सीन्स है, जहां वो लाल वाला और नीला वाला कैप्सूल खिलाकर लोगों को मारते हुए नजर आते हैं। नंबर 12, जफर सिद्दीकी का एक गर्लफ्रेंड भी है जिनका नाम सिद्दीका सरीन है और वो भी एक डांसर है। दोनों की मुलाकात जफर सिद्दीकी की डांस एकेडमी में ही हुआ था और फिलहाल दोनों साथ में ही रहते हैं। नंबर 13, जफर सिद्दीकी को उनकी घरवाले और फ्रेंड्स अरब उधर कानू कहकर बुलाते हैं, जिसका मतलब है नशीली आँख है। नंबर 14, जफर सिद्दीकी सुपरस्टार रजनीकांत और महेंद्र सिंह धोनी को अपना आइडियल मानते हैं। नंबर 15, जफर सिद्दीकी की एक्टिंग और उनकी बॉडी लैंग्वेज और कॉमेडी की वजह से उनकी डिमांड मूवीज में बढ़ती जा रही है। साथ ही दोस्तों, एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करने वाले जफर सिद्दीक आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ उनका उठना बैठना है। तो ये थी दोस्तों एक्टर डांसर जफर सिद्दीकी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मुझे तो फिल्मों में उनकी रोल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। आपको जफर सिद्दीकी की एक्टिंग और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।